तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख सकते हैं हमारे पास एक बेहतरीन गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये 2024 का मॉडल है, हीरो HF डिलक्स। देख सकते हैं इसमें बहुत सारा चेंजेस आ चुका है और गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लुक में दिखाई दे रही है। ये ऑल ब्लैक वाला जो मॉडल है, ये वो वाला मॉडल है। इसमें बहुत सारा कंपनी ने बहुत कुछ नया नया चीज़ दिया है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या इसमें हमें खास मिलता है, इसका माइलेज क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, एक्स शोरूम प्राइस क्या है, और इसमें 2024 का क्या क्या नया नया मॉडल जो हम लोग चेंजेस जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, उन सब चेंजेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाता है, जो हीरो का भी बैजिंग है। हीरो होंडा तो चेंज हो गया है, खाली हीरो बन गया है। यहाँ सामने आपको हेलोजन लाइट दिखता है, जो कि 12 वाट का लाइट है, और ये 35 वाट का इसमें हेलोजन दिया हुआ है, जो कि लाइट पहले से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टायर मिल जाता है, ये ट्यूबलेस टायर आ गया है। पहले हमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता था, बड़ा दिक्कत होता था, तो नए ज़माने के हिसाब से ट्यूबलेस टायर मिल गया है। यहाँ 80/118 का आपको टायर यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे जो अलॉय है ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अलॉय दिख रहा है। बाकी यहाँ मडगार्ड देख सकते हैं, ये फाइबर मडगार्ड है ऑल ब्लैक में, जो कि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम कर दिया है थोड़ा पहले से, टेलीस्कोपिक दिया है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और इसका साउंड भी मैं आगे आपको सुनाऊंगा, साउंड भी इसका कैसा है। बाकी आप देख सकते हैं ये पावर स्टार्ट वाला जो मॉडल है, इसमें बहुत सारे 3 मॉडल आते हैं। एक जो किक स्टार्ट रहता है, और ये जो है पावर स्टार्ट वाला है, और इसके ऊपर अगर एक मॉडल जाएंगे आप तो i3s भी आता है। तो फिलहाल हमारे पास जो है ये i3s वाला नहीं है, इसमें पावर स्टार्ट दिया है। और ये फ्यूल इंजेक्शन वाला जो FI मॉडल है, इसमें आपको यहाँ पर नॉब नहीं मिलेगा, जो हम पहले रिजर्व और ऑन करते थे, अब डायरेक्ट इसमें फ्यूल जा रहा है। और यहाँ पे जो आप इंजन देख सकते हैं, ये 97.2 सीसी का इंजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ हीरो का आपको बैजिंग मिल जाता है, एक स्टिकर जैसा लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको 3D बैजिंग दिया हुआ है, स्टिकर है, जो कि अच्छा क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है शाइनिंग में, पूरा ब्लैक में एक सिल्वर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक हीरो का बैजिंग मिल जाता है, जो इंजन है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पूरा फुल ब्लैक किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपका प्लास्टिक फाइबर का चेन कवर दे दिया है, जो कि पहले चेन कवर नहीं होता था, तो काफ़ी चेन वेन भी काफ़ी कचरा वगैरह घुस जाता था, तो ये बहुत अच्छा ये लोग कर दिए, चेन कवर देने लग गए हैं। तो अगर आपको इधर उधर बारिश वारिश में कहीं जाना हो तो कम से कम आपका चेन क्लीन रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गार्ड दे दिया है, अगर आप किसी को बैठाएं लेडीज़ वगैरह को या कुछ सामान वामान लें तो चक्का में फंसने का कोई टेंशन नहीं है। ये आजकल हर बाइक में देने लग गए हैं, ये भी कॉमन हो गया है इंडियन रूल के हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं पीछे बैक लाइट है, इधर ये दोनों हेलोजन में है। LED का कोई भी सेटअप आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा, और गाड़ी जब आप लेंगे तो आपको ये अलग से लगा के दिया जाएगा, ये एसेसरी का पार्ट है, और ये पूरा सिल्वर फिनिश में है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी सेम बैजिंग वगैरह दिया गया, ये किक स्टार्ट भी है प्लस सेल्फ स्टार्ट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हमें सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी गाड़ी ऑन करके दिखा देता हूँ, अभी फ़िलहाल गाड़ी न्यूट्रल में है, और इसका साउंड भी सुन लेते हैं कैसा साउंड है इसका गाड़ी का। देख सकते हैं ऐसा कुछ मीटर दिखाई दे रहा है, गाड़ी का साउंड सुन लीजिए, साउंड भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। और यहाँ पर हमें ये सिल्वर में आपका फ्यूल का ये कवर दिखने मिलता है, और इसका जो टैंक कैपेसिटी का बात कर लेते हैं, ये 9.5 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक दिखाई दे रहा है। इसमें आप 9.5 लीटर का आराम से तेल भरा के जा सकते हैं। बाकी इसका माइलेज का बात कर लेते हैं, तो गाड़ी की जो माइलेज है वो आपका यहाँ पर 70 का क्लेम करता है कंपनी, और लगभग 70-75 का माइलेज तो देखिए गाड़ी देता ही है, बाकी आपके चलाने के ऊपर भी है। गाड़ी अगर आप सिटी पर चला रहे हैं, सिर्फ इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, ज़्यादा इसको रेंज नहीं दे रहे हैं, तो गाड़ी का माइलेज अच्छा दे रहता है, बाकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराने का। बाकी मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है। और इसका ऑन रोड प्राइस का बात करेंगे अगर,
तो ये 84,000 ऑन रोड प्राइस इसका देखने मिल जाता है। और अभी पूजा का टाइम चल रहा है तो शायद आपके शोरूम में कुछ ना कुछ ऑफ़र मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल इसमें 2,500 का ऑफ़र था और हो सकता है आपके सिटी में कुछ अलग ऑफ़र चल रहा हो तो आप ज़रूर ऑफ़र के बारे में पूछ लीजिएगा। और पीछे का जो टायर है ये भी आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का टायर है। यूरो ग्रिप लिखा हुआ है टायर में, बढ़िया टायर है। और बाकी बात कर लेते हैं पीछे भी टेलीस्कोपिक जो आपका टू स्टेप एडजस्टमेंट वाला यहाँ पे सॉकर नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा सॉकर दिया हुआ है। मतलब क्वालिटी की बात करें तो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही है, थोड़ा फाइबर में ज़्यादा करके है। बाकी आप तो जानते हैं गाड़ी का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पीछे ग्रैब हैंडल दिख रहा है, ये भी आपका फाइबर में है, पहले स्टील का दिया जाता था। ये आपका ऑल ब्लैक मॉडल है तो इसमें अलग टाइप का फाइबर का दिया, थोड़ा चौड़ा है, पकड़ने के लिए भी ईजी है। और ये भी इधर में स्विचेस का बात कर लेते तो यहाँ पे आपको एक अपर डिपर मिलता है, इसका लाइट का कुछ ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। यहाँ आपको इंडिकेटर देखने मिल जाता है, ये हॉर्न का बटन है और यहाँ आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दिखता है। बाकी और कुछ खास गाड़ी में नहीं दिया गया है। बाकी आपको लाइट दिखा देता हूँ, लाइट इसका कैसा है देख सकते हैं, हैलोजन लाइट है। पहले जैसा लाइट आता था वो लाइट बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, जो एक्सीटर डाउन होते थे लाइट धीमी हो जाती थी। अभी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये 35 वॉट का लाइट है। बाकी आप लेने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें LED लाइट भी लगा सकते हैं, 500 में आजकल LED लाइट मिल जाती है, इजीली आप लगा देने से गाड़ी और बढ़िया हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ टायर के ऊपर एक एसेसरी का पार्ट है, ये आपका शॉकर जो लॉक आता है वो है मिंडा कंपनी का, ये भी बाहर से लगाया गया है। इसका दाम आप अगर आप देखें तो ये 500 के लगभग इसका कॉस्टिंग पड़ जाता है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लॉक है। बाकी लिंक वगैरह का भी काफ़ी आता है लेकिन वो सब थोड़ा महंगा पड़ जाता है। बाकी आप देख सकते हैं इधर में ब्रेक पैड जो है ये पूरा स्टील का दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पर भी आपको एक तो साथ में ग्रिपिंग मिल जाता है, पैर वैर इंजन में ना लगे बोल के, और यहाँ पर भी आपको कुछ प्लेट देखने मिल जाता है। बाकी स्टार्टर यहाँ पर लगाया गया रेड कलर का कवर के साथ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारा ऐसा वीडियोस आते रहते हैं बाइक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे करके कॉमेंट भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।